हर कर्म अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। 1986 में बनी देशभक्ति फिल्म कर्मा का ये गीत आज भी जब कहीं सुनाई देता है तो हर इंसान का रोम रोम देशभक्ति में डूब जाता है। देशभक्ति की भावना आज हर नौजवान में होना बेहद जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए 8 मई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश का पहला इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर का चंडीगढ़ में शुभारंभ कर देशभक्ति की दिशा में एक ऐसा कदम उठाया जिसका असर अब दिखने लगा है। इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज को देखने के लिए हर वर्ग उमड़ रहा है, खासकर युवा। हम आपको बता दें कि इस म्यूजियम की कई खासियतें हैं। इस एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर में बने एयरक्राफ्ट में लोग उड़ान भरने जैसा अनुभव भी ले सकते हैं। 17,000 वर्ग फुट क्षेत्र में बने इस केंद्र में विभिन्न युद्धों में भारतीय वायुसेना की भूमिका को दर्शाया गया है। MiG-21 द्वारा पाकिस्तानी वायुसेना के F-16 लड़ाकू विमानों को मार गिराने का अनूठा परिदृश्य यहां आप देख सकते हैं। इस केंद्र में 5 विमान हैं, जिसमें नेट विमान, जिसे 1971 के युद्ध में लड़ाकू विमानों के साहस के लिए सेबर किलर के रूप में भी जाना जाता है, इसे भी आप यहां देख सकते हैं। इस विरासत केंद्र में दर्शाए गए भारतीय वायुसेना के समृद्ध इतिहास को देखकर लोग गदगद हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि ये केंद्र युवाओं को सशस्त्र सेनाओं में सेवा के प्रति आकर्षित करेगा और देश की भावी पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगा। इस बारे में म्यूजियम में पहुंचे लोगों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। No word to explain. Amit explained very nicely, very vastly, and there is no doubt it's a very good field for the youngsters to go in. Yes. And they, we enjoyed all together. आने वाली पीढ़ी के लिए उनको जाना पता चलेगा कि हाँ हमारे पास कैसे लड़ा करते थे. It's an encouragement for them. Yes. Youngsters will really relish it, and they will want to go into this field because it's a very upcoming field. इससे पहले आज तक हमने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। हमें पता होता है कि हमारे देश में ये फोर्स है, ये काम करती है, लड़ाई होती है ना, लोगों से बचाती है, देश को प्रोटेक्ट करती है, लेकिन उस चीज को सामने लेके आना, बिहाइंड द सीन क्या होता है, आप सारा कुछ शो किए हुए, कौन सा पायलट कहाँ पे लड़ा था, कौन सा वायर यूज किया था, information. Before this we did not know it, but by seeing it what to say practically, so we have come to know a lot, and children are really enjoying it, and they are wanting to go into this force. Hello, videography का मैंने देखा था, आपने देखा था, आपने इसको कम करो, इसका वीडियो कम करो, My name is Komal Preet. Where are you from? I'm from Chandigarh only. How's your experience? Yeah, quite a good experience over here. I got really enthusiastic about the Air Force people, mm-hmm. and initially also I wanted to join Air Force. I couldn't. I'm right now pursuing my IAS. So really fascinating to be over here. आप फिजिकल की आप आईएस की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, तो उस माइंड थॉट से आप इस चीज को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि जो आईएस का थॉट होता है वो बहुत ही ऑल ओवर बड़ा क्लियर होता है हर चीज को लेकर। अभी जो लिटिल फेलोज को यहाँ पर होना चाहिए जरूरी, क्योंकि अपने स्कूलिंग के साथ साथ ये चीजें बहुत जरूरी हैं उनको एक्सपीरियंस करना कि कैसे ऑडियो विजुअल में हमारे जितने भी सोल्जर्स हैं, इंडियन एयरफोर्स के लोग हैं जो तो कैसे मतलब जंग लड़ते हैं और क्या व्हाट इज द रियलिटी। तो फैक्चुअली बहुत चीजें देखने को मिली हैं यहाँ पर, जो कि बहुत ही इम्फेटिक, बहुत ही अमेजिंग है, जो आपको वैसे नहीं आपको अनुमान लग सकता आपके घर बैठे हुए। तो इन्होंने काफी जो वीर चक्र जिन्होंने जिए हैं सोल्जर्स को, हमने उनको सल्यूट किया, प्रणाम किया, बहुत ही उन्होंने हमारे इंडिया को कैसे आगे लेके गए हैं और आगे भी लेके आते रहेंगे। मेक इन इंडिया वाली हमने चीजें देखी, कैसी ब्रह्मोस वगैरह मिसाइल वगैरह आगे क्रिएट हो रही हैं, तो बहुत कुछ हो रहा है हमारे अंडर नरेंद्र मोदी रीन। ये बात बहुत बड़ी है कि जो चीज हम कितने पर्दे के पीछे देखते हैं, हमें पता नहीं चलता कौन है, ये पता है कि हमारी फोर्सेस हैं, लड़ रही हैं, ये काम कर रही है, तो उस चीज को एक अलग जरिए से प्रेजेंट करना ताकि लोगों में
देशभक्ति की भावना भी जाके बच्चे देखें यार उस चीज को लेके कैसे। हाँ बच्चे अगर शुरू से यहाँ पर लग जाए देशभक्ति की भावना में उनको पता लगता है कि हाँ हमने कहाँ आगे परस्यू करना है अपना करियर रादर देन फॉलोइंग इनटू इलीगल एक्टिविटीज और ड्रिंकिंग ड्रिंकिंग उनकी छूट सकती है उनको लगेगा हमारे अंदर ये वाला जज्बा है और आगे अच्छा अपना लाइफ बिता सकते हैं और इसमें लोगों को लगता है कि वॉलंटरली रिटायर हो जाते हैं सारे 40-45 के ऐसा कुछ नहीं है आप 60 साल तक भी कंटिन्यू रखते होते अपनी पोस्ट को तो बहुत अच्छा मेरे नाना जी भी एयरफोर्स में थे तो मुझे थोड़ा बहुत तो पता ही हम 30 Sector 31 जाते रहते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है वहाँ पर सिंप्लिसिटी अलग ही होती है मल्टीकल्चरलिज्म आता है सबके साथ ये नहीं कि हम एक ही रीजन को बिलोंग करते हैं तो सबके साथ एक भाईचारा आता है इंडियन एयरफोर्स हमको सबको एक साथ लेके चलती है और हम ये नहीं कि हमारा सिर्फ इंडिया का ही पूरा वर्ल्ड यूनिवर्स हमको एक लगता है वासुदेव कुटुंबकम जो हमारे प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं तो ये चीज तो आती है अंदर से फीलिंग आपकी इरप्ट होती है बहुत अच्छा लगा अच्छा लगा अच्छा बड़े होके बनोगे फिर ऐसे एयरफोर्स में जाओगे यहाँ पे क्या क्या चीज देखी आपने बॉम्ब हेलीकॉप्टर बहुत कुछ था बहुत कुछ था अच्छा अपने फ्रेंड्स को क्या कहना चाहोगे मीडिया के जरिए कि वो भी आए यहाँ पे विजिट करें जरूर करना चाहिए हाँ। सुचित्रा पावा आपका कैसे एक्सपीरियंस रहा ये सब वेरी नाइस एक्सपीरियंस एक्चुअली माय फादर इज आल्सो इन एयरफोर्स ना सो दैट्स व्हाई आई नो लिटिल बिट ऑफ आई हैव सम नॉलेज नहीं नहीं पापा साथ में नहीं आए हैं क्योंकि कहते हैं कि एयरफोर्स में जो खुद इंसान होता है ऑब्वियसली वो ये चीजों को आप ज्यादा बेहतर समझा सकते हैं समझ भी सकते हैं जी हां क्योंकि आप कितना समझते हैं कि बच्चों के लिए चीज जरूरी थी जैसे डिसिप्लिन में हम रहे हैं वो चीज हमने देखी है तो मुझे ये था कि बच्चों में भी वो हैबिट इनकलकेट हो तो फिर उस पॉइंट ऑफ व्यू वी केम हियर एंड बच्चों का बहुत बच्चों का अच्छा एक्सपीरियंस रहा ये सबसे अच्छा एक्सपीरियंस था जो इन्होंने या स्टिमुलेटर वाला हाँ तो वो बिल्कुल रियल लाइफ एक्सपीरियंस उन्होंने फील किया सो वेरी नाइस गुड ये भी बात है कि हम जैसे आपके फादर थे आपने वो बचपन से उस चीज को फेस देखा है हाँ जी लेकिन वो चीज को प्रेजेंट किया यहाँ पे ताकि वो सब हर बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन है Really worth it. आपको लगता है इससे Obviously motivation आती है बच्चों में या बच्चों को वो चीज feel होती है कि हमें इस चीज में जाना है या whatever उनको वो चीज का एहसास हो जाता है क्योंकि हम हर चीज को आजकल मूवी के जरिए देख सकते हैं है ना लेकिन ये एक ऐसा मेरे को लगता है आप क्या महसूस करते हैं कि हाँ। बच्चों के लिए देशभक्ति की इसमें जाने की कहते और बढ़ेगा इच्छा होगी बढ़ेगा 100% बढ़ेगा वो चीज मोटिवेट होंगे बच्चे अब जैसे इन्होंने भुज का देखा सारी लड़ाइयों का वो पूरा प्रॉपर इन्होंने सारा दिखाया हुआ है तो उस चीज से हमें पता चलता है तो बच्चे थोड़ा सा उस चीज में इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं अपने आप को फील कर सकते हैं कि उन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया हमारे लिए चीज तो मैटर करती है बिल्कुल बिल्कुल अच्छा आपकी तरफ से एक सुंदर सा मैसेज लोगों के लिए इस सब पूरी चीज को मैसेज तो बस यही है कि इट्स अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस जो विजुअल सारा इन्होंने इम्पैक्ट बनाया है वो आप टच कर सकते हो फील कर सकते हो तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है एवरीबडी शुड कम एंड सी दिस